नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, एक विनम्र निवेदन है आप सभी से कि यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया मेरे चैनल विराट ज्योतिष चिंतन को अतिशीघ्र सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद। मित्रों, दीपावली निकट है और मैंने 12 राशियों पर स्थिति देखी है कि इस दीपावली पर कौन कौन सी विशेष राशियाँ ऐसी हैं जो जिनकी किस्मत खुल सकती है, जो भाग्यशाली रहेंगी। तो उनमें पहला स्थान है मेष राशि का। मेष राशि वालों का मान सम्मान बढ़ेगा, आय के नए अवसर प्राप्त होंगे, अपने कार्यों में सफलता मिलेगी, आर्थिक उन्नति होगी और आय के साधन बढ़ेंगे। भाग्य का सहयोग मिलेगा, बेरोजगारों को नौकरियां भी मिलेंगी, घर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगली भाग्यशाली जो राशि है वो वृषभ है। वृष राशि वालों का आर्थिक संकट समाप्त होगा, नई ऊर्जा व जोश का संचार होगा, कार्य क्षेत्र मजबूत होगा, कुछ नए लोगों से मित्रता होगी जो आपके करियर के लिहाज से अच्छे साबित होंगे, नए आर्थिक स्रोत बनेंगे, आय बढ़ेगी। कंपटीशन का सामना तो करना पड़ेगा लेकिन आपका परिश्रम आपको लाभ भी देगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, कहीं धार्मिक यात्रा के योग भी बन सकते हैं। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को नए लोग मिलेंगे, नए अवसर प्राप्त होंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, साहस का संचार होगा, धार्मिक गतिविधियों में समय देंगे आप, घर परिवार में उत्साह का संचार होगा, उत्साह का वातावरण होगा, कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। थोड़ा खर्च अधिक होगा, राहु देव आपसे थोड़ा खर्च ज़्यादा करवाएंगे। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों के लिए यह दीपावली खास रहेगी, आर्थिक लाभ के योग हैं लेकिन धन खर्च पे थोड़ा नियंत्रण रखें। इस दीपावली पर राहु देव आपको अच्छा खासा धन लाभ भी करवा सकते हैं, दूरस्थ क्षेत्रों की यात्रा भी संभव है। अगली राशि है तुला। इस राशि के लिए प्रगति के योग हैं, जो दिक्कतें परेशानियां चल रही थी उनमें बहुत कमी आएगी। थोड़ा सा जो ध्यान रखने वाली बात है वह ये कि जल्दबाजी और क्रोध पर नियंत्रण रखें, यात्रा के योग भी बनते हैं जो आपके करियर की दृष्टि से अच्छी रहेगी। और अंत में जो भाग्यशाली राशि है वो कुंभ है। कुंभ राशि वालों को धन प्राप्ति के योग तो हैं ही, इसके साथ साथ इनकी पुरानी परेशानियां भी दूर होंगी और नए उन्नति के मार्ग बनेंगे, नवीन आर्थिक स्रोत बनेंगे, जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में सफलता प्राप्त होगी, घर मकान प्राप्ति के योग बनते हैं, नया वाहन ले सकते हैं और कार्य क्षेत्र में भी मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सियाराम, नमस्कार।